सुबह से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भोला बालक बन गए, और वो सारे भोला बालक भगवान के पास पहुंच कर कह रहे हैं, प्रभु हमें बताओ हमने महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ कैसे की, इसकी जांच कराओ। तब तक महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठने लगी, खोका खोका पचास खोका, खोका खोका पचास खोका, पचास खोके एकदम ओके, पचास खोके एकदम ओके। भाजपाई चुप हो गए, खामोश हो गए, करे शिंदे की जांच कराओ विधायकों का कैसे तोड़ा। फिर कहने लगे, प्रभु शारदा स्कैम चल रहा था, नारदा स्कैम चल रहा था, घोटालेबाज था मुकुल राय, घोटालेबाज था शुभेंदु अधिकारी, उसको हमने अपनी पार्टी में कैसे शामिल किया इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को बनाया, शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का विधानसभा में लीडर बना दिया। चुप हो गए। फिर भाजपाइयों ने कहा वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उनकी पार्टी ने हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपाई कह रहे उत्तराखंड में हमने कैसे तोड़ फोड़ करके विधायक तोड़े थे इसकी जांच कराओ, गोवा में हमने कैसे तोड़ फोड़ करके विधायक खरीदे थे इसकी जांच कराओ, कर्नाटक में हमने तोड़ फोड़ करके कैसे विधायक खरीदे थे, मंत्री पद का कैसे लालच दिया था इसकी जांच कराओ, मध्य प्रदेश में हमने कैसे विधायक तोड़े थे, मंत्री पद का लालच दिया था, एक सरकार को गिराया था इसकी जांच कराओ। भाजपाई कह रहे पूरे देश में उन्होंने कैसे तोड़ फोड़ की थी इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा, मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम, एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं, और मुझे